गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आज राज्य के सीएम हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। बसवराज बोम्मई आज हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि जल्द ही नए एसओपी का ऐलान कर दिया जाएगा। बसवराज बोम्मई ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस पूरे केस में बात की दौरान ओमिक्रॉन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की बूस्टर डोज देने पर विस्तार के साथ बात हुई है। तो जल्द ही नए एसओपी का ऐलान कर्नाटक द्वारा किया जाएगा। तो कोरोना वायरस को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। भारत में इसके जो 2 केसेस मिले हैं वो दोनों ही केसेस कर्नाटक में हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन 2 लोगों से कोरोना का नया वेरिएंट कितने लोगों तक पहुंचा है और अभी उन सभी की स्थिति कैसी है। हिंदुस्तान की सरकार और आवाम को जिस बात का डर था, आखिर वो बात हो ही गई। बेंगलुरु में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले 2 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की तो हर कोई ये जानकर परेशान है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन 2 मरीजों से ओमिक्रॉन कहां कहां तक पहुंच चुका होगा। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों मरीजों से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां तक पहुंच चुका होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इस बारे में जानकारी दी। सो वन पर्सन इज अबाउट 66 ईयर ओल्ड हु इज साउथ अफ्रीकन नेशनल हु हैज गॉन बैक। सेकंड केस इज अ प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अबाउट 46 ईयर ओल्ड। कर्नाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज 66 साल का दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति है। ये व्यक्ति 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था और यहीं एयरपोर्ट पर इसका सैंपल लिया गया। सेल्फ आइसोलेशन में रखने के 3 दिनों बाद यानी 23 नवंबर को इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। 27 नवंबर को ये व्यक्ति भारत से चला भी गया। इस व्यक्ति के 24 प्राइमरी कॉन्टैक्ट मिले जबकि 240 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की पहचान की गई है। फिलहाल सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं बेंगलुरु में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे मरीज 46 साल के एक डॉक्टर हैं। इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली है। इस मरीज के 13 प्राइमरी कॉन्टैक्ट मिले हैं, इनमें से 3 पॉजिटिव मिले हैं जबकि इस मरीज के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में 205 मरीज मिले हैं और इनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 5 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। उनकी रिपोर्ट जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कल उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी बात की। आवर ड्यूटी इज नाउ टू सी दैट नॉट ओनली दिस 2 पर्सन्स अदरवाइज आल्सो टू ट्रैक एंड ट्रेस सच स्ट्रेन्स वेयर एवर इट इज फ्रॉम एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। वी आर ऑलरेडी डूइंग द ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तमाम कोशिशों के बीच इस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती मरीजों को ट्रेस करने की है क्योंकि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के हमारे यहाँ पूरे इंतजाम हैं। हम 2 बार इस अदृश्य शत्रु को हरा चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम ही जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे भारत में ओमिक्रॉन के एंट्री के बाद भारत की तैयारियां दरअसल कैसे हैं। देश में बैठकों का दौर तेज हो गया है। एयरपोर्ट पर पहले ही सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि सजग रहिए आप, सावधान रहिए और सावधान रहते हुए हम इस वायरस पर जीत हासिल कर पाएंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में वैक्सीन के लिए पात्र लगभग आधी आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है और देश में संक्रमण की दर अब 1% से भी नीचे है। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन
डेल्टा जितना घातक नहीं है। ये बात और है कि ये संक्रामक ज्यादा है, इसलिए मास्क और सामाजिक दूरी अब मजबूरी बन गई है और इसका पालन करना जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए, उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो पीपीई हो, N95 मास्क हो, चाहे वे ड्रग्स हो, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रोन के मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक कर इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की, लेकिन सरकार की बार बार अपील के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है, हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ रेलवे स्टेशन की है। कोविड सैंपलिंग के लिए यहाँ 3 टीम लगाई गई है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश करने के दौरान थर्मल स्कैनिंग से पहले उनका तापमान नापा जा रहा है और उसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक वो मास्क नहीं लगा लेंगे। लखनऊ बस स्टैंड पर बिना मास्क के लोगों की एंट्री नहीं है। बस स्टैंड के गेट पर लोगों का तापमान भी लिया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति में शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं तो उनका कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। ओमिक्रॉन के असर को लेकर जानकारी और आंकड़े का अभाव ही है जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमारे सामने फिर वही उपाय है जो पहले अपनाते आए हैं। वैक्सीन लगना हमारे बहुत इम्पोर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए। जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन की आहट इसलिए भी खतरे की बात है क्योंकि भारत में लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र होते दिख रहे हैं। बाजारों में रौनक लौट गई है तो लोगों के चेहरे से मास्क भी गायब हो चुके हैं। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन क्वारंटीन वाली चार दीवारी से बाहर निकल गया तो क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन के 7 और केसेस मिल गए हैं। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 5 केसेस पाए गए हैं। मिनेसोटा में और कोलोराडो में एक एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 8 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट है अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस का। जिस तरीके से ग्लोबल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, 7 केसेस का पाया जाना, मिनेसोटा में एक केस का पाया जाना, कोलोराडो में एक केस की पुष्टि का होना, अमेरिका में ओमिक्रॉन के अब तक 8 केसेस कुल पाए जा चुके हैं। पहले कैलिफोर्निया, फिर मिनेसोटा और अब कोलोराडो। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 केस मिल चुके हैं। डर का आलम यह है कि अमेरिका ने सख्त नियम लागू करना शुरू कर दिया है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका आने वालों के पास यात्रा से एक दिन पहले की कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यात्री ने चाहे कोरोना का टीका लिया हो या किसी भी देश का रहने वाला हो, उसे इस नियम का पालन करना ही होगा। नया नियम अमेरिका के नागरिकों के साथ साथ सभी विदेशियों पर भी लागू होता है। जो बाइडेन ने फैमिली वैक्सीनेशन क्लिनिक की शुरुआत की घोषणा की, इन सभी क्लिनिक में पूरे परिवार के वैक्सीनेशन की सुविधा होगी। इसके साथ ही वयस्कों के लिए बूस्टर और बच्चों के लिए भी वैक्सीन की सुविधा होगी। दुनिया भर के देश अफ्रीकन देशों से आवाजाही बंद करने लगे हैं, अपनी सरहदें सील करने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कहना पड़ा है कि ट्रेवल बैन से ओमिक्रॉन का संक्रमण रोक पाना संभव नहीं, तब जाकर कुछ देशों ने सावधानी के उपाय बढ़ाए। फिर भी 26 नवंबर को 6 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज थे। 30 नवंबर आते आते 14 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका था और 2 दिसंबर तक दुनिया के 30 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच गया। ये डर इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि इस नए वेरिएंट के असर के बारे में अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। Fortunately, the virus passes in people.
And the virus is in countries, in 23 countries now. And so that virus is available to many already. But travel bans do have a negative impact on the ability to ship samples out of a country. डर की एक बड़ी वजह और भी है, वो ये कि पूर्ण टीकाकरण के बाद भी लोग इस वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। अब वैक्सीन के फिर से मूल्यांकन की बात हो रही है, यानी नए शत्रु से लड़ने के लिए नए हथियार की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.